वेलकम ड्रिंक, थैंक यू। ये वेलकम ड्रिंक यहाँ की बहुत फेमस है गाइस। नॉट अ सीरियस। तो गाइस अभी हमने नेक्स्ट होटल चेक इन कर लिया, रात हमने नेक्स्ट दूसरे होटल में थे, अब हम आ गए हैं होटल ग्रैंड हमारा। दिस इज़ अ वेलकम ड्रिंक, इज अ वेरी टेस्टी और बहुत ही प्यारी ड्रिंक है ये। हाई वेलकम बैक टू माई चैनल अलग से ब्लॉग। और गाइस आ गए रह बोर, हमने स्कूटी भी हायर कर लिया और अब निकल रहे हैं भाई फटाफट घूमने के लिए। रैबो को दिखाना तो कुछ, मेरा तो बहुत ट्रिप हो रखे हैं पहले, बट रैबो को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, तो अभी निकलते हैं। इससे पहले मुझे नेक्स्ट होटल बुक करना है, मुझे ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, तो ये 4 स्टार, बट मैं इतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर पाया यहाँ। तो अभी हम जाते हैं गोल्डन ट्यूलिप, जहाँ मैं लास्ट टाइम रुका था, वहाँ देखता हूँ रूम। गर्मी तो यार यहाँ पे है, अभी से फील हो गया कि गर्मी यहाँ पे है। अभी निकले होटल से तो गर्मी तो बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन एंजॉय आ रहा है भाई। जब एंजॉय करना है तो एंजॉय आए। साउथ में आए तो मसाला डोसा नहीं खाया, तो भाई अभी हम खाने हैं मसाला डोसा, क्योंकि मुझे एक रात से मन कर रहा था खाने का, रात तो हम लोगों ने खाया नहीं। और ड्राइवर को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ड्राइवर तो कह रही है जो भी है बस ले आओ। भूख लग रही है बहुत, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट टाइम इनका मन नहीं कर रहा था। ये तो घर समय लेट उठे थे, इसलिए फिर हमने सोचा 12 बजे जी थोड़ा, मैंने मंगाया मसाला डोसा और पाव भाजी। रैबा को पसंद नहीं है मसाला डोसा, रैबा को पसंद नहीं है, दोनों मेरी पसंद क्या। अभी रैबा से पूछूंगा उसे जो खाना वो मंगा लेंगे। तो भाई गर्मी लग रही है, हो रही है फेस थेरेपी, बहुत ही रिलीव मिल रहा है ठंडा ठंडा फेस। भाई इतना रिलीव मिल रहा है आइस पे रख के, सीरियसली। रैबो को खानी नहीं तो पाओ जी, बट वेट भी नहीं हो रहा अभी इससे, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। भाई आ गया अपना मसाला डोसा। सो भी गए थे बैठे बैठे रूम में, नमाज के लिए आए तो थे, वो 5 मिनट ऐसे बस लेटा मैं और सो गया, क्योंकि यार थक गए सुबह से, फिर चलना ट्रैवल करना स्कूटी से इधर उधर, तो एकदम लेट थी, थोड़ी सी नींद आ गई मुझे भी। ड्राइवर को फिर एकदम उठे हम, क्योंकि नमाज का टाइम निकल जाता, फिर सोते रहते तो बेनिफिट क्या होता भाई आने का। अभी हमें जाना है बीच पर, तो नमाज पढ़ के निकलते हैं। अभी ड्राइवर पढ़ रही है नमाज, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। थोड़ी देर सो भी लिए 10-15 मिनट जो भी, अब वो तो मैंने उठा दिया, नहीं तो अब तक सोते होते। नहीं मुझे फिक्र थी नमाज की, मैं खुद उठी थी, लेकिन वो एक आलस होता है ना बिल्कुल, की थके हुए हैं बस पड़ जाए, वो सोने का जो आलस होता है वो बहुत ज़्यादा आलस हो रहा था। एंड फाइनली अब उठ गए हैं, नमाज वगैरह अदा कर ली है, तो अब निकलते हैं बीच के लिए। वही सनक्रीम है, बीच पे जाने से पहले सनक्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इतनी ज़्यादा काली हो जानी है स्क्रीन भाई। लेकिन इसे लगा के और ज़्यादा पसीना आ रहा है।
यार ऐसा लग रहा है फेस पे थोड़ी जले जले सी हो रही है, वो टैनिंग की वजह से हो रही है। इतनी यार ये इतनी मतलब हैवी से लग रही है, लेकिन है बहुत कम से। तो गाइस अब लोग निकल गए, चलते अभी रेवा करा रही है शेर पूरी एंड इसे भी पता नहीं क्या क्या सोच कर आई है। जब से आई थी तो हेयर ब्रेडिंग करानी थी इसे, तो फाइनली आंटी मिल गई है वो अभी। Thank you.
अब लगने लगी थी खाने की वो, तो चलते हैं। दो दिन बाद खाना खा रहे हैं, दो दिन से कंटिन्यू कुछ ना कुछ बाहर का बाहर का, मतलब रोटी नहीं आई दो दिन से, तो आज खाना है रोटी। गाइस स्टार्टर आ गया अपना तंगड़ी कबाब। एंड फाइनली गाइस बैक टू रूम, और आ गए इतनी ज़्यादा थकान हो जा रही है दिन भर, और तो यार रात के अभी दो तीन ढाई बज रहे हैं, बीच से ही आ रहे हैं, बीच बिल्कुल नियर, बिल्कुल होटल से निकलते ही बीच है, तो बहुत अच्छा व्यू है और बहुत प्यारा होटल है। और इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रात को कितने भी लेट हम आए बीच से तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, रात हम 5 बजे आए, आते ही हम सीधा बीच पर चले गए थे, तो बहुत अच्छा होटल है एंड रूम्स भी बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं।